कमलासुर, तुम तो कहाँ हो? मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए भगवान सूर्यदेव, मुझे केवल और केवल अपना कमलासुर चाहिए। एक तड़प तो ही माँ को उसके पुत्र से मिलवा दे। कहाँ हो तुम पुत्र कमलासुर, कहाँ हो? तुम्हारी माता तुम्हें पुकार रही है, कमलासुर, पुत्र कमलासुर। कमलासुर, तुझे तेरे मृत पिता दैत्यराज सिद्धू की सौगंध हर शाप ताप और पाप दोष को भूलकर एक तड़पती हुई माँ के पास चला पुत्र। पुत्र कमलासुर, अपनी तड़पती हुई माँ के पास चला। पुत्र कमलासुर, माँ, चला अपनी माँ के मेरी पास। मेरी माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जय जय श्री मां गणेश। शिव भक्ति का कर्तव्य निभाने वाले सिंधु पुत्र कमलासुर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माता व्यंगा तुमसे मिलते ही मृत्यु के मुंह में पहुंच जाएगी, इसलिए उसे ढूंढने का प्रयास ना करो। नहीं, कदापि नहीं। मेरी माँ की ममता मुझे अपनी ओर खींच रही है। यदि मेरे और माता के मिलन के बीच मृत्यु का योग भी है तो मैं नियति को बदल दूंगा, विधि के विधान को बदल दूंगा। जय जय श्री मां गणेश। नियति को बदलना शिव कृपा के बिना असंभव है कमलासुर, इसलिए तुम शिव आराधना करो। सच्चे मन से अपने भगवान शिव का आदेश मानकर उनकी आराधना करो। मुझे शिव भक्ति का परामर्श देने वाले दुष्ट शत्रु, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोडूंगा। जय श्री मां गणेश। मैं तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हूँ, मेरी बात ना मानकर तुम अपनी भयानक दुर्गति करवाओगे कमलासुर। जय जय श्री मां गणेश। माँ, माता विहंगा, माँ। हर संबंध से बड़ा होता है माँ का संबंध, ये आप क्यों भूल जाते हैं दैत्य गुरु कि मैं कमलासुर की माँ हूँ। उसको जन्म देने के बाद मैंने एक बार भी अपने पुत्र को नहीं देखा। ना देखने में ही तुम्हारी भलाई है। मुझे भलाई की शिक्षा देने वाले दैत्य गुरु, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कौन सा प्रश्न? सच सच बताएं दैत्य गुरु, आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु? विहंगा, सच का आघात तीखा होता है। यदि आप दैत्य गुरु हैं तो आपने मेरे भविष्य को जानते हुए पुत्र मिलन के लिए मुझे सूर्य आराधना का परामर्श क्यों दिया था? उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे। आप चुप क्यों हैं? ये प्रश्न आपसे सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा नहीं, कमलासुर की माता पूछ रही है। क्या सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझे भ्रमित करने के लिए सूर्य आराधना का परामर्श दिया था? यह सच है कि शिव कृपा से मैं तुम्हारे भविष्य को भली भांति जानता था, परंतु तुम्हारे पुत्र मिलन की तड़प को देखकर तुम्हें सच बताने का साहस नहीं जुटा पाया। मुझे विश्वास था कि सूर्यदेव तुम्हें समझाने में सफल रहे होंगे। धिक्कार है आपकी बुद्धि पर। एक माता के लिए पुत्र से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपने दैत्य शत्रु की भूमिका ही निभाई है दैत्य गुरु। एक माता की कोमल भावना को अपने कठोर पैरों से रोंद डाला है आपने। मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी नहीं। नहीं नहीं विहंगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करो। तुम भी तुम्हारे पुत्र कमलासुर के समान मुझे अपमानित कर रही हो। कमलासुर तो मुझे अपमानित करके पद भ्रष्ट हो गया है, न जाने वो शिव कोप के कारण जीवित भी बचा है अथवा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, ऐसे अशुभ बात अपने मुंह से नहीं निकाले।
मैं अपने पुत्र से एक बार मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कहते गुरु, क्रोध और प्रतिशोध माता की ममता से अधिक नहीं हो सकते। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार सुना दे। इस अभागर माँ को उसके पुत्र की कुशलता का समाचार दे दैत्य गुरु। अपनी दिव्य शक्ति से देखिए कि इस समय मेरा कमलासुर कहाँ है। ठीक है वीरेंद्र, मुझे जन्म देने वाली माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, अब मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। व्यंगा, दैत्यों का आराध्य भगवान शिव शंकर बहुत दयालु है। शिव निंदा और दुष्टता करने पर भी उन्होंने तुम्हारे पुत्र कमलासुर पर दया की है और उसे जीवित छोड़ दिया। दैत्य गुरु, आपको आप शब्द कहना मेरी भूल थी। आप दैत्य जाति के सच्चे हित चिंतक हैं। इस अभागन माँ को कृपा करके पुत्र मिलन का उपाय बता दे। शिव कृपा असंभव को भी संभव कर देती है व्यंगा। अपने पुत्र कमलासुर से मिलने के लिए तुम्हें सच्चे मन से तब तक शिव आराधना करनी होगी जब तक शिव इच्छा से तुम्हारी नियति के पृष्ठों पर लिखे दुर्भाग्य के काले अक्षरों की भाषा सौभाग्य में नहीं बदल जाती। जो आज्ञा दैत्य गुरु। अपने पुत्र को पाने के लिए मैं अपना सब कुछ शिव चरणों में समर्पित कर दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे विघ्नों का अंत करने वाले श्री गणेश, मैंने जीवन भर सच्चे मन से आपकी पूजा और आराधना की है, फिर आप ऐसी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? भाई भाभी की अकाल मृत्यु के बाद मैंने उनके दोनों जुड़वां पुत्रों का अपने सगे पुत्रों से बढ़कर लालन पालन किया, माँ का स्नेह दिया, परंतु आज दोनों ही मुझसे दूर हैं। मैं उनसे मिलने को तड़प रही हूँ प्रभु, मुझ पर कृपा करें श्री गणेश। वीनु और दीनू को मुझसे मिलवा दें, मुझ पर कृपा करें प्रभु। दया करें हैं दया निधान, कृपा करें हैं कृपा निधान। इस अभागन की झोली में अपनी कृपा डाल दे मंगल मूर्ति। सबका मंगल करने वाले मेरा भी मंगल करें प्रभु। देवकी बुआ, ओ देवकी बुआ, देवकी बुआ, आज पुत्रों जैसे भतीजों के कारण ही सारा गांव तुम्हें बुआ पुकारता। श्री गणेश परम दयालु हैं, ये अपने भक्तों का दुख अधिक समय तक नहीं देख सकते। इनकी कृपा से तुम्हारे वीनू और दीनू अवश्य मिलेंगे। थोड़ा धीरज रखो। कब तक धीरज रखूं पुजारी जी? 21 वर्ष बीत गए हैं तीनों से बिछड़े हुए, और वीनू तो न जाने मेरे किन पापों के कारण नास्तिक बन गया है। उसे लड़ झगड़ कर कहीं चला गया है, कहाँ ढूंढूं मैं उसे? देव की बुआ, गणेश कृपा पर विश्वास रखो। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गणेश महाराज तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। भगवान को अपने भक्तों के आंसू नहीं, उनका धैर्य और धीरज प्रिय है। पुजारी जी, आप कहते हैं तो मैं आपको वचन देती हूँ कि सब कुछ देखने वाली आंखों के पथराने तक मैं पूरे धैर्य और धीरज के साथ अपने वीनू और दीनू की प्रतीक्षा करती रहूंगी। देवकी बुआ, इस प्रतीक्षा के समय में एक क्षण के लिए भी सुख करता दुख हरता मंगल मूर्ति गणेश को मत भूल। इन्हें भूलने से पहले तो मैं मर जाना पसंद करूंगी पुजारी जी। जय मंगल मूर्ति श्री गणेश, जय गौरी पुत्र श्री गणेश।
बैठो। जय जय श्री मां गणेश। आज्ञा मंगल मूर्ति। यदि हमसे आज्ञा पाने की इच्छा होती तो बिना बुलाए ही प्रकट हो जाते, हमारे आदेश की प्रतीक्षा न करते दयासुर। कमलासुर को समझाने का तुम्हारा प्रयास विफल रहा, जबकि उसकी माता शुक्राचार्य के परामर्श से शिव आराधना को समर्पित हो चुकी है। मैं यही सोचकर चकित हो रहा हूँ प्रभु कि क्या शिव कृपा से माता पुत्र का मिलन संभव होगा, और यदि मिलन होगा तो क्या विहंगा जीवित बच पाएगी? नहीं, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में तुम्हें एक शिव आराधिका की रक्षा करने के लिए कमलासुर को विहंगा से दूर रखना होगा। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। दयासुर, हमारी सच्ची भक्ति करने वाली देवकी की तुम हर प्रकार से सहायता करो, किसी भी विघ्न बाधा से उसकी भक्ति पर आंच भी नहीं आनी चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। हम माँ की कृपा से देवकी बुआ की सहायता के साथ साथ कमलासुर को रोकने का निश्चित उपाय करेंगे। प्रणाम प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। माँ, मुझे जन्म देने वाली माँ, तुम कहाँ हो? माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हारी पुकार मेरे कानों में बार बार गूंज रही है। माँ, मैं अधिक समय तक तुमसे दूर नहीं रह सकता। कितना अभाग्यशाली हूं मैं कि मैंने कभी तुम्हें देखा भी नहीं। माँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम्हारे आंचल में अपना सर छुपाना चाहता हूं। माँ, तुम कहां हो? माँ, तुम कहां हो? मेरी पुकार का उत्तर दो। माँ, माँ, संसार की सभी शुभ शक्तियां सुने, यदि मुझे मेरी मां नहीं मिली तो मैं अपने क्रोध के बवंडर से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा, किसी को किसी से मिलने नहीं दूंगा। माँ, अब भूल जाइए देवकी माँ जी को, वे हमें कभी नहीं मिलेंगे। हम कब तक भटकते रहेंगे उनकी खोज में? अब तो उनकी खोज भी असफल हुई। माँ, पुत्री विजया, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का काम मन से नहीं किया गया। श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो पुत्री। नीले आकाश के ऊपर रहने वाले गणेश जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देते।